हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास यहाँ पे XUV 500 है जो कि ऑटोमेटिक वर्जन इसका आता है। इसके अंदर आज हम पूरा साउंड का काम करने वाले हैं, जैसे कि साउंड डैम्पिंग करेंगे, डबल डैम्पिंग करने वाले हैं। और जो भी डैम्पिंग कर रहे हैं हम CTK की शीट्स लगा रहे हैं, गोल्ड प्रीमियम शीट्स जो आती हैं इसकी, CTK की गोल्ड शीट्स आप देख सकते हैं, डबल डैम्पिंग करके हमने लगाई हुई है। अब हम आपको इसके स्पीकर की क्वालिटी दिखाएं जो कि कंपनी देती है आपको। तो कंपनी कुछ इस तरीके का आपको स्पीकर देती है, जो कि ये निपॉन का रहता है, और ये जो है स्टॉक स्पीकर्स आता है जो यहाँ पे लगा रहता है। तो हम इसको अब चेंज कर रहे हैं अपनी इन्फिनिटी कापा सीरीज़ से। मैं आपको उसका भी अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगता है वो और कैसा दिखेगा और क्या साउंड क्वालिटी होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल डैम्पिंग दोनों गेटों में हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर भी जो है हमने डैम्पिंग करी हुई है इसकी। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग हमेशा प्रोफेशनल टूल्स पूरे इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों में, तो यहाँ पे डैम्पिंग रोलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पूरी डैम्पिंग शीट है अच्छे से स्टिक हो जाए इसके अंदर। और यहाँ पे भी हम दिखाते हैं, इसकी अभी अंदर की डैम्पिंग हो चुकी है, बाहर की डैम्पिंग और बची हुई है। तो कुछ गाड़ी जो स्टॉक आपको इस तरीके से देती है। अभी इसके अंदर हम ये जो कापा का सीरीज़ लगाने वाले हैं वो 60CX CSX है, जो कि 300 वाट का मैक्स आउटपुट देती है। स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इसका स्पीकर है कापा का, जो कि 2 से 2.5 किलो के बीच का एक स्पीकर होता है, अपने आप में एक छोटा सबवूफर कह सकते हैं इसको अपन। इसी के साथ ही यहाँ पे आप देखें तो ये जो है इसका क्रॉसओवर होता है, ये क्रॉसओवर एक बिल्ट इन एम्पलीफायर जैसा रहता है पूरा ये, जो कि इसी के साथ लगता है। और इसके ट्विटर कुछ इस तरीके के रहते हैं। यहाँ पे आप ट्विटर की क्वालिटी देख सकते हैं, ये इस तरीके का कुछ ट्विटर रहता है इसमें। तो ये किट अब पूरी इंस्टॉल होने वाली है इस गाड़ी में, तो हम आप बने रहिएगा हमारे साथ। पीछे जो है हम इसमें रेफरेंस की किट लगाने वाले हैं, तो साउंड का जो कि बहुत अच्छा काम होने वाला है XUV 500 में, जो कि कंपनी जो स्टॉक स्पीकर देती है उसमें से अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता, क्योंकि आपने देखा स्पीकर जो लगा रहता है वो निपॉन का लगा रहता है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको इसका लास्ट में साउंड आउटपुट चेक कराएंगे। तो अब इस गाड़ी के अंदर हमने पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कापा का क्रॉसओवर लगा हुआ है, और ये कापा का जो है 6 इंचेस का स्पीकर बेस वाला लगा हुआ है पूरा इसके अंदर। और जो ट्विटर प्लेसमेंट करी है हमने यहाँ पर करी हुई है इसकी ट्विटर प्लेसमेंट, ऐसे ही हम आपको पीछे का इसका दिखाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस सीरीज़ लगी हुई है, उसका क्रॉसओवर लगा हुआ है, और यहाँ पर इसका स्पीकर जो ये है 6 इंचेस का स्पीकर है, उसी के नीचे हमने ट्विटर की प्लेसमेंट करी हुई है। तो अब हम इसको आपको गाड़ी का पूरा पैक करके एक साउंड आउटपुट का हम इसका आपको वीडियो अभी पूरा आगे सुनाने वाले हैं, इसी वीडियो में आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो इसके बाद हम आपको सीधे साउंड आउटपुट चाहिए। तो अब आती है साउंड आउटपुट की बारी, हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके का इसमें साउंड आउटपुट आता है। तो सुनिए आप लोग।
ये था इस गाड़ी का जो पूरा हमने काम किया है उसका साउंड आउटपुट, और इसमें हमने डैम्पिंग भी करी है तो इसकी कैबिन नॉइज़ भी बहुत कम हो गई है और साउंड आउटपुट भी इनका बढ़ गया है। अब हम आपसे बात कराते हैं अपने जो हमारे जो गाड़ी के ओनर हैं वो क्या कहते हैं इस गाड़ी में, और आफ्टर ये सब इंस्टॉलेशन के बाद वो क्या कहते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो भैया कैसा लगा आपको काम जो हमने किया है गाड़ी के अंदर, और क्या डिफरेंसेस आपको आए आप बता दीजिए। नहीं, काम तो बहुत अच्छा था, साउंड प्रूफिंग मैंने करवाई तो साउंड प्रूफिंग का रिजल्ट भी काफी अच्छा था जी। पहले नॉइज वगैरह आ रहा था वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, और जो साउंड जैसे अपन ने कापा का इसमें और इन्फिनिटी रेफरेंस का साउंड जो अपन ने स्पीकर से यूज किए हैं, क्या आपको आउटपुट उसका अच्छा लगा गाड़ी का? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बेस आप जिस तरीके का चाह रहे थे उस तरीके का मिला, जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही है जी। तो इस तरीके से हम वीडियो को एंड करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हमारा नंबर है 9144108110। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी हम वीडियोस बनाते रहेंगे।